सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, बेटू आईटी नामक एक यूट्यूब चैनल है जो कि आदिटेक को बोला था, इसने मेरा आईडी हैक कर लिया था। तो सारे बेटू आईटी का जो फैंस लोग है या फ्रेंड लोग है सारे जाके आदिटेक को हेट देने लग गए। लेकिन आदिटेक ने जब बोला मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, वही सेम बंदे आके उसको सॉरी बोलने लगे। तो पहले दूसरी तरफ की तो स्टेटमेंट सुन लो कि क्या कुछ हुआ है, फिर तो बोलने लगो। एक तरफ से सुन के दूसरे बंदे को क्यों हेट दे रहे हो, कोई भी भगवान नहीं होता। अब जिस यूट्यूबर की बात सुन के ट्रिपल 4 को हेट दे रहे हो, वो भी भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूं। तो आपको सबसे अच्छा होने वाला कि आप दोनों तरफ की बात सुनो, फिर किसी को जज करो, ठीक है। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट 444 के बारे में, फ्री फायर की जो 9 साल की ऑडियंस है इनके बारे में। आज फ्री फायर में जितने सारे कंट्रोवर्सी होता है, जितने सारे फेक एलिगेशन लगता है, ये सारे के सारे 9 साल की ऑडियंस की वजह से लगता है। तो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या चल रहा है हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाइट 444 के बारे में, एंड वहाँ पे मैंने दो साइड के बात बोला था। मैंने ये भी नहीं बोला था कि हैकर है, एंड ये भी नहीं बोला था कि हैकर नहीं है। तो कुछ पॉइंट रियलिटी था, मैंने उस पॉइंट को बताया था। तो उसमें से कुछ लोग बोला कि तूने हैकर को सपोर्ट किया, मैं तेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि तुमने बहुत ही अच्छा बोला, लाइक ज़्यादा आए थे और डिसलाइक 4 ही आए थे। तो आप समझ सकते हो कि मैंने वीडियो में क्या बोला था, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इतना कॉन्ट्रोवर्सी फेक एलिगेशन क्यों लगता है, क्योंकि ये लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है। अगर तुम किसी वीडियो में बोल रहे हो कि अज्जू भाई हैकर नहीं है, दो लोग आधा सुनेगा कि अज्जू भाई हैकर, उसी को जाकर स्पैम करने लग जाएगा। वीडियो तो पूरा देखेगा नहीं, दो लाइन सुन के स्पैम करने जस्टिस दिलाने में लग जाता है। क्या 2 महीने पुराना एक क्लिप है, उसको मतलब उसको कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा कि ये हैक का है कि नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं ये जानता हूँ कि व्हाइट 444 एक मैक्रो यूजर है और मैक्रो बहुत दिन से यूज करता है, जब से गेम खेलते आ रहा है तब से मैक्रो यूज़ करते आ रहा है। और मैक्रो हैकर हैक नहीं होता, मैक्रो अलग चीज़ होता है, हैक अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है गेम क्रैश होने के बाद वो मैक्रो आ गया। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ना कि बोल रहा हूँ कि मैक्रो ही था, क्योंकि मैक्रो भी ऐसा कुछ होता है, उनका इंटरफेस भी ऐसा ही होता है। तो बहुत लोगों ने तो हैक बोल ही दिया, तो हो भी सकता है हैक, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन अब कुछ बंदे क्या बोल रहे हैं, गेम प्ले देख के जज कर रहा है कि व्हाइट 444 की आज तक जितने यूट्यूबर्स से वर्सेस किया है सबको हराया है 0 में। तो तुम अभी यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके लिखो व्हाइट 444 वर्सेस BNL, लिखो व्हाइट 444 वर्सेस रॉक, लिखो कहाँ पे किसको 0 पे हराया, 3, 4, 5 में हराया। 0 पे शायद किसी को हराया होगा, वो नॉर्मल प्लेयर को हरा सकता है। और हाँ, व्हाइट 444 एक बहुत ही पुराना प्लेयर है, जब हमने गेम का नाम नहीं सुना था तब से वो बंदा खेलते आ रहा है। अगर आज की डेट में हम लोग या तुम लोग प्रो हो सकते हो तो वो बंदा लेजेंड हो ही सकता है, अपना अलग स्किल यूज भी कर सकता है, ठीक है। और एक बात बता दूँ, उस बंदे को हैक एलिगेशन लगाया गया था पहले ही, इसलिए वो बंदे ने गेम खेलना छोड़ दिया था। तो तुमको क्या लगता है, जिस बंदे में ऑलरेडी हैक एलिगेशन लगाया गया था वो बंदा फिर हैक करेगा? अगर अभी तुम हैक गेम हैक करके खेल रहे हो, तुम पकड़ा गए, तो तुम शायद ही नेक्स्ट टाइम हैक करोगे। अगर चूतिया हो रहा होगा ज़्यादा तो तभी हैक करोगे, वरना हैक नहीं करोगे। तो उस बंदे को पहले हैक का एलिगेशन लगाया गया था, तो बंदा फिर 5-6 महीने बाद यूट्यूब में आया तो फिर आके हैक करके खेलेगा? क्या आपको ये चीज़ लगता है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, ठीक है। लेकिन अब कुछ यूट्यूबर क्या बोल रहा है, इसका 360 डिग्री हेडशॉट है, डिसार्टिकल्स 1 टैप मार रहा है, हैक शॉट है, 8 शॉट है। भाई अगर तुम लोग को इतना ज़्यादा नॉलेज है तो अभी क्यों बना रहे हो, पहले से क्यों नहीं बनाए? अगर तुम लोगों में इतना भर भर के ठूस ठूस का अगर नॉलेज भरा है तो पहले क्यों नहीं बताया कि ये हैकर है? अभी जब ये फेक क्लिप, फेक तो नहीं मतलब ऐसे कुछ भी क्लिप हो, वायरल हुआ है। और हाँ, अच्छे से देखो, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हो, ये नीमो टीवी पे लाइव हो रहा था और यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइक था। ये मेरे को जितना लगता है कि ये व्हाइट 444 का लाइव है ही नहीं। व्हाइट 444 का गेम प्ले हो सकता है बट उसके चैनल पर लाइव है ही नहीं, या एडिटिंग चीज़ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कर देना अगर गलत बोला तो, ठीक है। वहाँ पे देखो लाइक सिर्फ 2 ही है, 2 लाइक कैसे हो सकता है इतना पॉपुलर यूट्यूबर का, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जो लोग बता रहा है कि मैंने कस्टम पे देखा ऐसे करके हैक हेड मार रहा है, बॉडी मार रहा है, घंटा मार रहा है, अगर तुम लोगों में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम लोगों में इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो तुम लोगों ने इतना दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया, इतना दिन क्यों नहीं वीडियो बनाया? जूम करके दिखा रहे हो, स्लो मोशन पे दिखा रहे हो, इतना एम्बॉट है, घंटा बॉट है, तो पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बताने आ रहे हो? भाई तुम लोगों में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो बताओ कुछ चीज़ हैक के बिना, मतलब गेम प्ले देख के बता दो कि ये बंदा हैकर है। जब आप कोई चीज़ वायरल हो रहा है तब बता रहे हो, खत्म, बाय बाय टाटा, इतना ही है। मतलब आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाइट 444 हैकर नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि व्हाइट 444 हैकर है, ठीक है। जस्ट कुछ प्रूफ मैंने को लगा, मैंने बता दिया। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर देखना। और एक तरफ की बात सुन के कभी भी किसी को जज मत करो, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो तुम हो,
चाहे तुम जिसका भी भगवान मानते हो, जिस ऊपर को, ठीक, एक तरफ की बात सुन के किसी को हेट मत करना। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एक फ्री फायर खेलने वाले बंदे को। तो मिलते हैं इस किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।